हमारा ये टॉपिक है ना, दैट इज ग्राफ थ्योरी है ना। तो लास्ट टॉपिक में सुमय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये ग्राफ है ना, इट इज एक्चुअली अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ बी एंड ई है ना। एंड यू पीपल से दैट दिस बी इज कॉल्ड अ वर्टेक्स सेट है ना। ये भी आपको पता है, दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स सेट। एंड ई स्क्वायर इज द ए सेट। फिर इसके बाद आप लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी लूप के बारे में। आप लोगों ने कहा लूप होती है एक एज जिसमें हमें इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है ना। दूसरा पॉइंट फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि एज, एज इज अ लाइन बिटवीन द टू वर्टेक्स व्हिच कनेक्ट्स टू वर्टेक्स है ना। और बेटा इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, सिंपल ग्राफ के बारे में। कुछ आ रहा है सिंपल ग्राफ? क्या कहा था आपने सिंपल ग्राफ? सर सिंपल ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें ना कोई मल्टीपल एज होगा, जिसमें कोई ना सेल्फ लूप होगा है ना। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने ऐसे देखा, दिस इज सर वी वन, दिस इज सर वी टू, दिस इज वी थ्री। सर वी कैन से दिस इज अ दिस ग्राफ, दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ है ना। इसके बाद बेटा जब आप आगे गए, आप लोगों ने कहा सर इफ वी हैव लाइक दिस, दिस इज वी वन, दिस इज वी टू एंड ई वन इज एन एज, और कोई एज और है ई टू, और कोई सर एज है ई थ्री। सर इन एजेस को ई वन ई टू ई थ्री, इन एजेस को हम कहते हैं पैरेलल एजेस, याद आया? तो रीजन क्या था? बिकॉज दे हैव द सेम वर्टेक्स है v1 और v2। तो बाद में आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास सर कोई ग्राफ है लाइक दिस, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज e1, दिस इज e2 है ना, एंड दिस इज v2, और यहां पर आपने कहा दिस इज सर v4, दिस इज e3, दिस इज e4, और सर यहां पर आपने लगाया e5, और यहां पर आपने लगाया एक सेल्फ लूप e6। सर दिस ग्राफ इज कॉल्ड जनरल ग्राफ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड जनरल। एंड आप लोगों ने कहा सच ए ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड सीडो ग्राफ। जनरल ग्राफ का हो या सीडो ग्राफ, तो सीडो ग्राफ सुमाया मीन्स ए ग्राफ विद मल्टीपल एजेस, मीन्स पैरेलल एजेस विद सेल्फ लूप व्हाटसोएवर, सच ए ग्राफ इज कॉल्ड दिस। ओके, तो नाउ वी विल गो ऑन ए न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स, व्हाट इज मेंट बाय ए वर्टेक्स। थोड़ा मैंने डिस्कस किया था उसे, अब थोड़ा आज क्लियर हो जाएगा आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे आप लोग। इफ वी हैव अ वर्टेक्स वी, इफ वी हैव अ वर्टेक्स देन दिस स्टैंड्स डीवी, दिस स्टैंड्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स, जो ये डी ऑफ वी लिखा ना मैंने, डी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स हम मानते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग देखना, अगर मेरे पास कोई वर्टेक्स है वी वन है ना, और बेटा आप लोग ने लिया इसमें कोई एज ई वन है ना, यहाँ पे लिया आपने वी टू, और यहाँ पर आपने कोई सेल्फ लूप में इस पे आपने कहा दिस इज ई थ्री, और यहाँ पर कोई लिया ई फोर, एंड यू से दिस इज वर्टेक्स सेम वी थ्री है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जहरा जो वी वन वर्टेक्स है ना इसकी डिग्री बता, डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी वन, तो आप कहेंगे सर इस पे एज ई वन है, इस पे एज ई फोर है, हो गए दो, और सर इस पे सेल्फ लूप है तो दो दो हो गए चार। तो सुमाया आप लोगों को क्लियर हुआ कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स मीन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट, एक वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। और एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखा, अगर एक वर्टेक्स पे सेल्फ लूप होगा देन इट इज काउंटेड ट्वाइस, तब तो हम इसको काउंट करते दो बार। अगर मैं आप में से किसी को पूछूंगा डिग्री ऑफ वी टू तो मुझे बताओ आंसर, तो आप बोलेंगे वन, क्योंकि इसमें एक ही एज है, दैट इज इवन है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा डिग्री ऑफ वी थ्री कोई बताओ, वन, वी थ्री इसकी डिग्री वन है, दैट इज ई फोर है ना। इस पे कितने एजेस इंसिडेंट है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स मीन्स नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ गिवन वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ गिवन वर्टेक्स, ऑन अ गिवन वर्टेक्स, ऑन अ गिवन वर्टेक्स, एक गिवन वर्टेक्स पे कितने एजेस इंसिडेंट है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वर्टेक्स। राइट डाउन दिस बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो नोट कर। हम लोगों ने कहा डिग्री ऑफ वर्टेक्स मीन्स नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स। मैं हेट दूंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज वी वन है ना, और यहां पर वी टू है, यहां पर वी थ्री है। आप ऐसे मुझे कोई बता डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी वन, डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी वन डरने के बगैर जीरो। हाँ एग्जैक्ट, आप लोगों ने कहा वी वन पे कोई एज ही नहीं है, तो आपने कहा डिग्री ऑफ वी वन सर, या डिग्री ऑफ वी टू, या डिग्री ऑफ वी थ्री, जितने मैंने पूछे आप लोगों ने कहा इनकी डिग्री जीरो। ए वर्टेक्स इज हैविंग डिग्री जीरो मीन नो एज इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। सुमैया क्लियर? तो बेटा आपने कहा सर अगर हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री जीरो होगी, जिसमें कोई एज इंसिडेंट नहीं है,
such a vertex is called isolated vertex. ठीक है ना. इसके बाद एक और टर्म, this was isolated. इसके बाद एक और टर्म, next called pendant vertex. अगर मेरे पास एक ग्राफ है लाइक दिस, थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज वी वन, दिस इज वी टू है ना, और दिस इज वी थ्री और ये वी फोर है. आप ऐसे मुझे कोई पता है डिग्री या वी फोर जीरो, तो आपने कहा इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स. जहरा अगर मैं पूछूंगा आपको डिग्री या वी वन, वन है ना, तो डिग्री या वी वन यहाँ पर है. जब डिग्री या वी वन वन होगा ना, जब डिग्री ऑफ वर्टेक्स वन, दैट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स. जिसकी डिग्री वन है दैट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स, जिसकी डिग्री जीरो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स. राइट डाउन दिस पॉइंट्स. अब सी वी हैव अ ग्राफ एंड ग्राफ इज लाइक दिस, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर. ये ग्राफ क्योंकि बेटा आप लोगों ने कहा ग्राफ का मतलब है जिसमें हमारे वर्टेक्स होंगे, हमारे एजेस होंगे. लेकिन जो ये ग्राफ है ना, आपने देखा सुमैया इस ग्राफ में खास चीज, इसमें आपने कहा सर इसमें वर्टेक्सेस है, इसमें कोई एज नहीं. सच ए ग्राफ इज कॉल्ड नॉर्मल ग्राफ. सच ए ग्राफ इज कॉल्ड नॉर्मल ग्राफ. मींस अ ग्राफ विदाउट एजेस. अगर हमारे पास कोई ग्राफ होगा विदाउट एज, सच ए ग्राफ इज कॉल्ड नल ग्राफ. अब बेटा एक और पॉइंट जो आपको सीखना है, यहां पर देखना मेरे पास ऐसे है, दिस इज ग्राफ. आप लोगों का आंसर होगा हाँ इसमें कोई वर्टेक्स है. अगर हमारे पास ग्राफ है ना जिसमें एक ही वर्टेक्स होगी एंड नो एज, देयर इज वर्टेक्स बट नो, सच ए ग्राफ इज कॉल्ड ट्रिगर ग्राफ. ग्राफ इज कॉल्ड, अगर हमारे पास बेटा ग्राफ है जिसमें कोई एज नहीं है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो आप लोगों ने कहा दैट इज कॉल्ड नल ग्राफ. अब आप लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सर ग्राफ है बट देयर इज ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एज एट ऑल, मुझे लग रहा है अगर आपसे मैं पूछूंगा आप लोग कहेंगे इट इज आइसोलेटेड वर्टेक्स है ना, जिसकी डिग्री जीरो है ना, तो सच ए ग्राफ इज कॉल्ड ट्रिगर ग्राफ. ओके हैव यू गॉट दिस. तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज ग्राफ थ्योरी है ना. तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज मेंट बाय डिग्री ऑफ वर्टेक्स, व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेटेड पेंडेंट वर्टेक्स एंड व्हाटएवर. तो नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. आपके पास बेटा ग्राफ ऐसे होगा, वी वन कोई ग्राफ है वर्टेक्स है, दिस इज वी टू, दिस इज वी थ्री, दिस इज वी फोर, दिस इज वी थ्री, दिस इज वी फाइव, दिस इज वी सिक्स, दिस इज सेवन टू, this is E2, this is E3, and this is E2, E3, oh, this is, say this is E1, maybe, yeah, but, oh, this is like that, this is E6, E7, and this is like that, this is E8, this is like that, and आप लोगों को वहाँ क्वेश्चन पूछा गया, five, degree of V1, degree of V2, degree of V, V4, डिग्री ऑफ वी थ्री. और इसके बाद पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट बेटा आपको आया कैलकुलेट आइसोलेटेड वर्टेक्स अमंग दीज, कैलकुलेट द पेंडेंट वर्टेक्स अमंग दीज. ठीक है, ओके राइट डाउन दिस. और कल वो एक अच्छे से